हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट पूर्ण में आपका स्वागत है। तो आज हम कराएंगे क्लास नाइन्थ का सब्जेक्ट साइंस, इसका सैंपल पेपर जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल की वो करते बम्बार्डमेंट किया था। तो उसने देखा था कि जो बीच में न्यूक्लियस है ना, उसमें क्या पॉजिटिव है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो टकराकर वापस आ रहा है अल्फा पार्टिकल। तो उसने किसकी डिस्कवरी करी थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेरिस्टमेटिक टिश्यू इज फाउंड। देखिए मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहां पर पाया जाता है, वो रूट्स में पाया जाता है या फिर फ्लावर, मतलब जो प्लांट होता है उसकी टिप में पाया जाता है, जिससे ग्रोथ कर सके प्लांट। तो ये फ्लावर्स में तो नहीं होगा, टिप ऑफ द लीव्स इसमें भी नहीं होगा, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूट, क्योंकि रूट को क्या करता है, ग्रोथ प्रोवाइड कराता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्लो टू अ स्टॉप बिकॉज। तो देखिए इसमें ए दे रखा है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, नहीं ये वाला नहीं होगा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, ये भी सही नहीं है इसका। आगे हमें दे रखा है सी ऑप्शन, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, हाँ ये वाला करेक्ट हो सकता है, लेकिन डी भी देख लेते एक बार, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब भी बॉल हिट करेंगे ना, तो उसकी वजह से इस बॉल पर जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या अपोज करने का फोर्स लगेगा, वो कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स को। ठीक है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और एयर का रेजिस्टेंस भी लगेगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, जो मोशन को अपोज करेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ, कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। तो देखिए नोज इसमें पाया जाता है, ईयर इसमें पाया जाता है, लार्निक्स इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। देखिए आइसोटोप्स में क्या होता है, जेड तो सेम होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, तो मास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है, जेड सेम होता है एटॉमिक नंबर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नहीं ये नहीं होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे ऑप्शन देखते हैं, और सी ऑप्शन है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और डी दे रखा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमने बोला था जेड क्या होता है इसका, जेड तो क्या होता है सेम, और ए क्या होता है मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि न्यूट्रॉन मास से ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रखा है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, यही होता है। अब हमसे क्या बोला इसने कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि डी को मैंने क्या कर दिया, डी बाय टू। ओके, अब देखिए एफ डैश क्या होगा इस केस में, मतलब जो नया ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो क्या आएगा, जी एम वन एम टू, और डी की जगह क्या रख देंगे, डी बाय टू। ठीक है, तो ये डी बाय टू का होल स्क्वायर, अब ये क्या बन जाएगा, एफ डैश बराबर जी एम वन एम टू, और ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, फोर, तो फोर ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फोर। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये वाली ये चीज़ क्या होती है, इसके बराबर, एफ के बराबर, तो मैं एफ डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ, फोर एफ, यानी कि क्या हो रहा है, फोर टाइम्स बढ़ जाएगा ये, फोर टाइम्स। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, फोर टाइम्स, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो देखिए आप जानते हैं कि जो वेट होता है ना, वेट बराबर एम इंटू जी होता है, और ठीक है इसको आप फोर्स की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटी देख रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा, एफ बराबर एम जी। ओके, अब m की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 रख लेंगे, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो ये क्या आ जाएगा आपका, f की वैल्यू हो जाएगी 9.8, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन,
तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एट्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो इसमें टाइप्स होते हैं वो हम लिख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, एक तो ट्रैकियाड होता है, ट्रैकेट्स होता है, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा इसमें वेसल्स, थर्ड इसमें होता है हमारा पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और फोर्थ होता है इसमें हमारा फाइब्रस। तो इस तरह से चार होते हैं, ठीक है, उनके टाइप, ठीक है, एलिमेंट टुगेदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो देखिए आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें जेड तो क्या होता है, सेम, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। और इसमें उल्टा होता है आइसोबार में, इसमें जेड तो क्या होता है, डिफरेंट बट मास नंबर सेम, मास नंबर सेम होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोजन के ले लो 1H1, 1H2, ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना, या 1H1, ठीक है, ये 1H2 और एक हो गया 1H3, ठीक है, ये अपना होता है ना प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से इनके नाम भी होते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। अभी इसमें देख रहे हो ना आप, ये वाला और ये नंबर, ये नंबर, ये मास नंबर होते हैं और इसमें डिफरेंट होते हैं मास नंबर, ठीक है। इस तरह से आप हाइड्रोजन के तीन एग्जांपल बता सकते हो, ठीक है, ये, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए आइसोबार, आइसोबार में आपके देखो जेड तो डिफरेंट होता है बट ए सेम होता है। तो इसमें आप क्या ले लेना, एक तो जैसे हमने मान लिया आर्गन और एक कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, ठीक है, और कैल्शियम का कितना होता है 20, लेकिन इनके दोनों के मास नंबर सेम होते हैं 40, इसका भी 40 होता है, ठीक है। इस तरह से देखिए एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट यानी कि जेड डिफरेंट, बस मास नंबर क्या है दोनों के, सेम है। इस तरह से दोनों क्या हो गए, ये दोनों आइसोबार्स हो गए। इसमें यहाँ एग्जांपल लिख देंगे, इसमें आप ये एग्जांपल लिख देंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, तो इसमें आप पहले लिखेंगे, इसने एक एक्सप्लेन नहीं करा था, इट इज़ नॉट, मतलब नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स मॉडल, तो ये लिख देंगे रदरफोर्ड्स मॉडल नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। देखो रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था ना, न्यूक्लियस बताया था इसने, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व करते हैं ना इस न्यूक्लियस के अराउंड में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन करेगा, मतलब इमिट करेगा अपनी एनर्जी को, और फिर धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में गिर जाएगा ये, तो इसका मतलब एटम ही हमारा नहीं रहा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसने इस चीज़ को प्रूफ नहीं करा, इस चीज़ को बताया नहीं, नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा उसके बाद वो रेडिएट करेगा अपनी एनर्जी को, और जब रेडिएट करेगा एनर्जी को तो इलेक्ट्रॉन मतलब घूमते अंदर आ जाना चाहिए था न्यूक्लियस के, ठीक है, लेकिन इसने ये चीज़ बताई नहीं थी, तो इसकी ये लिमिटेशन थी। सेकंड इसके लिमिटेशन में था कि इसने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से अरेंजमेंट होता है न्यूक्लियस के अराउंड में, तो इधर लिख देना डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम। तो इसने इस चीज को भी नहीं करा था, तो दो लिमिटेशन बतानी थी, ये हमने बता दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ
ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है ठीक है। और इसका एग्जांपल आप लिख देंगे पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप बता देंगे इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है। और इसमें आप एग्जांपल बता देंगे जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम बता सकते हैं। ठीक है। इस तरह से ये बता देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि देखिए बिकॉज, क्योंकि देखिए अर्थ का मास ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मास होता है तो मून को वो अट्रैक्ट करता है, मून अट्रैक्ट होता है अर्थ से। ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज द मास ऑफ द अर्थ इज लार्जर देन द मास ऑफ द मून। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो देखिए स्टोमेटा के फंक्शन क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या करता है, आपका ट्रांसपिरेशन में काम करता है। उसके बाद आपका देखिए सबसे पहले लिखेंगे हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है। इसमें मदद करता है। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे इसमें कि वो एक्सचेंज गैस में काम करता है, तो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ना CO2 मतलब लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, तो वो गैसेस को एक्सचेंज में मदद करता है स्टोमेटा, जो लीव्स में होता है। ठीक है। लीव्स में होता है ना स्टोमेटा ऐसे, तो वो ओपन और क्लोज होता रहता है। थर्ड अपना इसमें आएगा अपना लॉस ऑफ वाटर। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं लॉस ऑफ वाटर, थर्ड आपका पॉइंट हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। वो क्या करता है लॉस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करता है, वो स्टोमेटा क्रिएट करता है अपवर्ड पुल, मतलब क्या करता है रूट से क्या करता है ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है। वाटर को, और वो लीव्स में होता है पत्तियों में स्टोमेटा, तो यहाँ से क्या जाइलम के थ्रू या फिर रूट्स के थ्रू यहाँ से पानी ऊपर भेजता है, वो पुल करता है अपवर्ड पुल ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स, और फिर वहाँ से वो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू वो लॉस हो जाता है। ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा क्रिएट्स एन अपवर्ड पुल ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स। तो ये इसका फंक्शन है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। स्किन में बताना है, बार्क ऑफ ट्री में बताना है, और बोन में बताना है। सबसे पहले देखिए स्किन, स्किन में होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, तो आप लिख देंगे एपिथेलियल टिश्यू होता है स्किन में। ठीक है। उसके बाद बार्क ऑफ ट्री में क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो हम लिख देंगे इधर सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। ठीक है। उसके बाद बोन में देखिए, बोन में क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू ये होता है बोन में कनेक्टिव टिश्यू। बार्क ऑफ ट्री में सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अपना स्किन में एपिथेलियल टिश्यू। तो इस तरह से आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, फाइंड
द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप। ठीक है, सबसे पहले ए हमसे पूछ रहा है, देखिए कंडीशन हमें दे रखी है, बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। मतलब इसने क्या बोल रखा है कि देखिए यहाँ से मैंने बॉल फेंकी, ये मैंने बॉल फेंकी, ये ऊपर गई और फिर वापस से नीचे आ गई। तो इस कंडीशन में क्या हो गई, ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, तो टोटल टाइम कितना लगा इसको ऊपर से नीचे जाने में, 6 सेकेंड। ये हमें दे रखा है टी, टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है। अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और ये वी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, एक एक तरह से मैंने इसको माना, सिर्फ इस कंसीडर को, मतलब हमने क्या माना, जब ये मैंने बॉल यहाँ से फेंकी और इसके ये टॉप तक गई, तो टॉप पर जाने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है वहाँ पर पहुँचने पर, फिर वापस से ये दोबारा से नीचे आती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब देखिए 6 सेकेंड इसको, मतलब देखो यहाँ से फेंका ऊपर गई और ऊपर से फिर नीचे आई, तो देखो जब यहाँ से मैंने ऊपर फेंका तो इसका आधा टाइम लगेगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट पार्ट पूछा है ना, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, जब इसने अप फेंका ना तो उसकी वेलोसिटी बतानी है, यू की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखो वी तो जीरो होगा क्योंकि ऊपर, यहाँ पर जीरो हो जाता है टॉप पर, और यू की वैल्यू यहाँ पर हमें बतानी है। अब हम जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, यू प्लस एटी। लेकिन इस कंडीशन में देखो हम फेंक तो ऐसे रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी ऐसे लग रही है ना, जी इस तरफ लग रहा है नीचे और यू उस तरफ लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसमें साइन नेगेटिव लूँगा मैं, तो वी बराबर यू। अब यहाँ पे एक ही जगह देखो क्या कर दूँगा मैं, जी कर दूँगा, क्योंकि ये तो है एक्सेलरेशन नॉर्मल, और जब बात करते हैं हम मोशन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस जी टी लिखूँगा। ठीक है, अब यह माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखिए अपोजिट साइन है ना, यू उस तरफ जा रहा है और जी नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए अपोजिट। तो अब देखिए वी की वैल्यू तो जीरो है और U की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, G की वैल्यू 9.8 है और T की वैल्यू कितनी है, 3। देखिए ये टाइम ऊपर जाने में 3 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो U की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, U को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, चाहे तो माइनस का है ना, ये इसको यहाँ ले आइए तो प्लस का हो जाएगा, तो 9.8 × 3 कर लेना, तो 8 × 3 = 24, 2 × 9 = 27 और 2 = 29, और 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ जाएगी यू की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट पूछा है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस एंड, देखिए अभी हमारा क्या आया था, अभी हमारा यू आया था 29.4 मीटर पर सेकेंड, ये आया था। अब हमसे पूछा मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, देखिए हमने बॉल यहाँ से फेंकी थी ना तो ये यहाँ तक गया था। ठीक है, उसके बाद ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कितनी हाइट गेन करेगा, h, यानी कि h को मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर ut + ½ at² यही होता है। ठीक है, तो अब इसमें पुट कर देते हैं हम वैल्यू को, u हमारा ये आ रहा था 29.4, तो 29.4 और t की वैल्यू हमारे पास 3 है ही, प्लस हाफ। अब देखिए a की वैल्यू तो नेगेटिव रखेंगे ना, g रखेंगे, माइनस में रख देंगे, माइनस ये जी की वैल्यू आप रखेंगे 9.8 और टी क्या है 3 का स्क्वायर 9। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 44.1 मीटर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए इसका सी वाला पार्ट क्या है, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। तो देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए ये टॉप पर है और ये बॉटम पे है, जब हमने यहाँ पे बॉल फेंका तो ये ऊपर टॉप पर गया, तो इस कंडीशन में क्या होगी, इसकी वेलोसिटी तो फाइनल तो जीरो हो जाएगी और ये बॉटम पार्ट हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में 4 सेकंड में इसकी पोजीशन बतानी है, तो देखिए 3 सेकंड में ये ऊपर गया सबसे, फिर देखिए 4 सेकंड, फिर 5, फिर 6 सेकंड में ये कंप्लीट यहाँ पर आ जाता है, तो मान लीजिए 4 सेकंड पे ये यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए टॉप पर और ये 4 सेकंड, इनके बीच में कितने गए, देखो 3 सेकंड हो गए, ये 4 सेकंड, तो यहाँ पर एक ही सेकंड हुआ ना, यहाँ से ऊपर से यहाँ पर आने में 1 सेकंड लगा। अब मैं टॉप का अगर मैं यू मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैं फाइनल वेलोसिटी जो वी थी वो जीरो गई, अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को यू मानता हूँ तो यू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। ओके, अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड तक आने में, यहाँ तक 1 सेकंड, ठीक है 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, पोजीशन, यानी कि एस या एच कह दे दिया, एस बराबर क्या होता है यू टी
अब प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लस क्यों रखा, देखिए मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और ग्रेविटी भी क्या है, नीचे की तरफ। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जब दोनों अपोजिट में होते हैं तब नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है, एस बराबर यू की वैल्यू जीरो थे, पूरे जीरो कर देगा, तो हाफ जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा। अब 2 में 9.8 में 2 का भाग दे दीजिए तो ये कितना आएगा, 4.9 मीटर। और फ्रॉम टॉप, ये टॉप से आया ना, इधर से फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम टॉप, टॉप से आए, ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो देखिए न्यूरॉन में क्या होता है, ये देखिए न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर डेंड्राइट्स होती है बहुत सारी, ठीक है, ये डेंड्राइट्स इस तरह से कुछ होती है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। उसके बाद इससे एक एक्सॉन जुड़ा होता है, ठीक है, ये एक्सॉन जुड़ा होता है, ये कहते हैं इसको एक्सॉन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहां पर नर्व एंडिंग, क्या बोलते हैं इसको, नर्व एंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कारपेट बी इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन एंड राइट विच न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल हियर। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, देखिए ये किसके कारण हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ये वाला हो रहा है। अब व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन एंड राइट विच लॉ, न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं, लॉ फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कारपेट जब बीटन करते हैं ना स्टिक से, ठीक है, तो देखिए कारपेट तो क्या होता है, कारपेट तो मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और जो उसमें डस्ट रहता है ना, वो डस्ट वो रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो इसका इसका लॉ भी यही है, इट स्टेट दैट व्हेन अ, मतलब व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मोशन रिमेन मोशन, एंड व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट रिमेन रेस्ट, मतलब जो चीज़ रेस्ट में रहना चाहती है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो चीज़ मोशन में वो मोशन में आना चाहती है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर किसी चीज़ को मोशन को रेस्ट में बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सा है, जो चीज़ मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है, जो चीज़ रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है। तो इसमें आप लॉ ऑफ इनर्शिया लिख देना, फर्स्ट लॉ लिख देना, और कारपेट मोशन में है, डस्ट रेस्ट में है, तो ये रिमेनिंग रेस्ट में रहना चाहती है, कारपेट मोशन में तो ये मोशन में रहना चाहती है, जिससे ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, वन अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक है, वॉट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो ठीक है, ये हमारे एक स्टोन है, ठीक है, और ये फ्रोजन सरफेस है, ठीक है, लेक की, ठीक है, और ये यहाँ पर मोशन में है, ठीक है, ये मोशन में, ये मोशन में है, और कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाता है, ठीक है, कम टू रेस्ट, और इसने जब रेस्ट में आता है उससे पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इसने, 50 मीटर की, ठीक है। अब देखिए अब इसको करेंगे कैसे, देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पर u और यहाँ पर v, तो v वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यहाँ पर क्योंकि रेस्ट में आ चुका है, तो यहाँ पर u की हमें स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसका हमें मास भी दे रखा है, मास कितना है इसका, 1 kg, ठीक है। अब देखिए अब हमें बताना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें इसमें निकालना है एफ, ठीक है, व्हाट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखें इसमें सबसे पहले हम मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस,
ओके अब देखिए वी तो इसमें जीरो है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यू की वैल्यू 20 का स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पर ए लिखेंगे और एस की वैल्यू ये आपको दे रखे डिस्टेंस 50 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 400, देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे 20 × 20 तो 400 आ जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 50 × 100, तो ये 100 × a, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन माइनस 400/100, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4 m/s². अब हमें फोर्स निकालना है, फोर्स हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए, तो एफ बराबर क्या लिख दूंगा मैं, एम की जगह 1 kg और ए की जगह माइनस का 4, तो एफ क्या हो जाएगा माइनस का 4 N, यानी कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आया माइनस का 4 N। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम नेगेटिव साइन इन अबव एक्सप्रेशन, ठीक है, इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन इन अबव एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम में करके आ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 50 g ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 cm³ इफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 g/cm³, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें इसमें 50 g यानी कि हमें मास हमें दे रखा है, इसमें मास कितना दे रखा है 50 g, ओके, और हमें इसमें वॉल्यूम क्या दे रखा है, हमको इसमें वॉल्यूम दे रखा है हमें 20 cm³, ठीक है, और यहाँ पर हमें वाटर का डेंसिटी क्या दे रखी है, वाटर की डेंसिटी, या आप सिंपली रो नहीं बनाए तो इसमें डी लिख सकते हैं आप डेंसिटी को डी से, ठीक है, ये डेंसिटी डी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दे रखा है 1 g/cm³, ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। अब आप जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन इसमें देखिए आपको डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी दे रखी है 1 g/cm³, ठीक है, और जो ये है ना सब्सटेंस, जो ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस की अगर मैं डेंसिटी निकालता हूँ सब्सटेंस, ठीक है, तो मास कितना दे रखा 50, ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा 20, ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, इसमें भाग देंगे तो ये 2.5 g/cm³, यानी कि अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो इसमें आपको ग्रेटर किसकी आ रही डेंसिटी, इसकी आ रही सब्सटेंस की, यानी कि क्या होगा कि जैसे ये मैंने टैंक माना, ठीक है, इसमें वाटर मान लिया, वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसकी वाटर की डेंसिटी ये मैं डी मान लेता हूँ, वाटर की डेंसिटी, ठीक है, और एक सब्सटेंस है यहाँ पर, ये सब्सटेंस है, और सब्सटेंस की डेंसिटी मैंने मान ली डी, ये सब्सटेंस लिख दिया सर इधर, ठीक है। अगर क्या होगा, सब्सटेंस की डेंसिटी अगर कम होती तो ये पानी में तैरता होता, ठीक है, अगर दोनों की डेंसिटी में से अगर इसकी डेंसिटी कम होती तो ये पानी के ऊपर तैरता रहता, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कम होती है ना वो ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। अभी डेंसिटी क्या आ रही है इसकी, ज़्यादा आ रही है वाटर के कंपैरिजन में, देखिए 1 इसकी आ रही है, इसकी 2.5 आ रही है, तो ये क्या करेगा, सिंक के अंदर
डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंक के अंदर, मतलब ये जो टैंक है ना इसमें सिंक में आ जाएगा ये, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे अपना स्टेटमेंट में, हम लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ वॉटर, हैंस हैंस द सब्सटेंस सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर, विल सिंक इन वॉटर, तो वो वाटर में सिंक में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने इस सैम्पल पेपर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी प्रिपरेशन को ये सैम्पल पेपर काफ़ी बूस्ट करेगा। ऐसे ही सैम्पल पेपर की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर की अप टू डेट जानकारी मिलती रहे। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।